all the way going down to these beautiful cars. Mercedes. इसी का पैसा. इसी का पैसा है. ये है ना देखने वाली चीज तो यार. Mercedes ने genuinely अच्छा देखो मगर प्यार से. हाँ. वो भी दूर से. भाई मैंने literally ये गाड़ी भगाई. ओए हाँ. वाह वाह. भाई साहब पटाखे सुन रहा तू? है किम में और गर्द दुनिया. गुड मॉर्निंग दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत और आज हो गई अगस्त 18 कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप में हम एक और नई जगह आ गए हैं. हम पहुंच गए हैं स्टटगर्ट और स्टटगर्ट में दो ही चीज़ फेमस है, एक पोर्शा का म्यूजियम और साथ ही साथ मर्सिडीज़ का म्यूजियम. तो इस समय हम हैं मर्सिडीज़ के म्यूजियम में. 1926 में ये कंपनी मर्ज होकर पहली प्रोडक्शन लाइन में पहली गाड़ी बनी थी और आज चलते हैं अंदर और देखते हैं इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री. मेरे बिल्कुल राइट में खड़ी है सी क्लास और ए क्लास, दोनों की दोनों AMG है. A35 AMG, C43 AMG. अंदर चलते और अंदर आपको दिखाते हैं और भी बहुत सारी गाड़ियाँ. तो यार मेरी तरह मेरे को नहीं पता कि कितने और लोग हैं जो कि गाड़ियों के बिल्कुल दीवाने ही तो हैं. यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं और लाइन में खड़े होने के बाद अपनी टिकट्स लेते हैं, टिकट परचेज करके फिर अंदर चलते हैं. टिकट्स यहाँ पर यहीं पर आके मिल जाती है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. और आज जो दीवानचू के अंदर की खुशी है ना दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकता तुम्हें. फुल पावर आज दीवानचू भाई, फुल पावर. तो यार यहाँ से ले लिया हमने टिकट्स और टिकट काउंटर भी भाई आलीशान सा बना रखा है, एक नंबर. 12 यूरो की एक टिकट पड़ी तो 36 यूरोज हो गए. 36 यूरोज में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री और ये सब देखने को मिलेगा तो बाबा मज़ा तो आएगा ना. और मेरे भाई के मुंह पर खुशी चेक करो फ्रेंड्स. तो चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ. इसके बाद भाई एलिवेटर लेना है, सामने जो एलिवेटर है राहुल भाई का इंतज़ार हो रहा है थोड़ा सा और उसके बाद हम ऊपर चले जाएंगे. इन लोगों ने लिखा तो है वहाँ पे नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी. आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. मतलब हम फोटो वोटो नहीं ले सकते ऐसा तो फिर क्या फ़ायदा, पता नहीं भाई देखता हूँ. मूविंग इन जो स्टेरियो है उसकी हम वीडियोस और फोटोग्राफी नहीं ले सकते, बाकी तो हम कर ही सकते हैं. तो भाई यहाँ टिकट लगानी है, देखियो. थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे अंदर आने में. मोटा है ना तो थोड़ा सा. नहीं मैं राहुल भाई से कम क्या, अब मैं राहुल भाई से घबरा गया. नहीं नहीं वो हमारे को ऑडियो बुक थोड़ी ना अच्छी है ना, ये तो सारे ऑडियो बुक वाले हैं. एलिवेटर देख कैसे स्पेस शटल जैसा और ऊपर वो देख प्लेन. भाई ये तो जहाज भी खड़ा कर रखा है ना. तो पहले हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे और फिर अपने आप धीरे 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 नीचे आएंगे तो पूरा देखते हुए. सबसे ज्यादा एंटी. हाय देयर, वी नो इट्स अ सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज. इंग्लिश डू यू नीड अ ऑडियो गाइड? आई डोंट थिंक सो. नो वी डोंट, थैंक यू. आज के गाइड हम हैं. तो राहुल भाई ने ले लिया ऑडियो गाइड और इनसे अब बेचारे से लग नहीं रहे सिस्टम अपने कैसे बंद है. आए समझ के नहीं लग गया? लग गया भाई, लग गया. तैयारी समझ गई आए. तो हमारे पास तो अपना खुद का गाइड है. चलो भाई चले. ओए होए खुलते ही घोड़ा. हाँ तो पहले गाड़ियों से पहले तो घोड़ा ही चाला करता ना भाई साहब. हाँ तो बस फिर ठीक है, हॉर्स पावर तो यहीं से आई ना. हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जैसे अपनी फुल पावर. सो यार 1890 में स्टटगर्ट कुछ कुछ ऐसा दिखता था और कसम से बताऊँ ना काफ़ी हद तक ऐसा ही दिखता, बस बीच में अब ये घोड़ा गाड़ी और ये सब मार्केट वार्केट की जगह अब आ गई हैं गाड़ियाँ और ब्रिजेस. January 29, 1886 कार्ल बेंस ने यार अपना पेटेंट फाइल कर दिया था अपनी 3 मोटर जो व्हीकल थी उसका, और साथ ही साथ जो दूसरा इसका साथी था गॉटलिएब डेमलर उसने अपना जो इंजन है उसका पेटेंट साइन करा था. अभी तक मर्सिडीज़ बनी नहीं थी, मर्सिडीज़ पहले दो अलग अलग कंपनीज थी, मर्सिडीज़ बेंज. तो मर्सिडीज़ एक अलग ब्रांड हो गया अलग बंदे का और बेंज अलग बंदे का था. कार्ल बेंज का बेंज आया और गॉटलिएब डेमलर ने अपनी बेटी के नाम पर मर्सिडीज़ लिखवा दिया. तो गाइस 1885 में डेमलर और मेबैक दोनों ने मिलकर ये बनाया था. इसको देखो जो इसका फ्रेमवर्क है वो लकड़ी का बना हुआ है, टायर लकड़ी के हैं, बस इसका जो इंजन है ना वो है जो आज तक की जो भी गाड़ियां उनका एक फाउंडेशन बनाता है. और 2 साल के अंदर उन्होंने ये ऐसा कुछ बनाया था विच इज़ अमेजिंग. मतलब 2 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो गई थी कि 4 पहियों की गाड़ी आ गई है, उसके आगे जाते भाई बोट्स बनी हैं, उसी एरा में बोट्स भी बनी हैं. हवा यहाँ पर इन्होंने सारी सारी फोटोज़ के साथ पूरा का पूरा दिखा रखा है कि मर्सिडीज़ बेंज साथ ही साथ जर्मनी साथ ही साथ यूरोप कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, ऑल द वे गोइंग डाउन टू दीज ब्यूटिफुल कार्स. भाई साहब चेसी देखो इसकी, मतलब एक नंबर ही थी. और ये चैन देखो, ये भाई सबसे पहली इन्वेंशन हुई थी जो मर्सिडीज़ ने करी थी.
सो द डाउन ऑफ 20th सेंचुरी वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री भाई, मतलब लिमोजीन से लेके आगे बढ़ती चलेगी गाड़ियाँ, और ये सारी गाड़ियाँ आपको विंटेज शोज में देखने को मिलती हैं, और वो भी भाई बहुत किस्मत वालों को, मतलब ये तो वहाँ भी नहीं मिलती। मैं तो मतलब मन कर रहा भाई एक आधी कुंड कर लेते हैं, गायब हो जाते लेके। गायब कैसे होगा, दूसरे फ्लोर पे तो। अब यार वैसे भी चलती तो ये वैसे PS कम है ना, तो ठुस ठुस करके चलेगी अभी अपनी। इतने हॉर्स पावर वाली अभी आई नहीं थी ना इस टाइम तक, मतलब वही 60-70-80-90 हॉर्स पावर की थी, इतनी कोई ज्यादा हॉर्स पावर की आई नहीं थी। वही 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 पेंटिंग देख रहा पीछे भाई, पेंटिंग देख रहा हूँ तो मेरे को चेक करना। Mercedes. यहाँ से इधर चलते हैं, इधर आगे की तरफ पे और कुछ है, मतलब भाई वैसे देखा जाए ना गेम चेंजर भाई, मतलब Mercedes ने जो अपना गेम चेंज किया ना गाड़ियों का, उसने मतलब नींव रख दी अलग अलग गाड़ियों की भाई, बहुत सारी गाड़ी आ गई, लैम्बो फैम्बो सब आ गया, लेकिन Mercedes ने जिस तरीके से चीजें बनाई है ना, और ये देखो भाई ये वाली तो सबसे गैंगस्टर गाड़ी है भाई जो बीच में खड़ी है ब्लैक वाली। ये तो मैंने बहुत देखी है भाई, ये तो बहुत देखी है मैंने। ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी एंटीक कार, एंटीक जो कार शोज हैं या फिर एंटीक जो पिक्चर्स हैं मूवीज हैं, उनमें ये वाली गाड़ी का वर्णन भाई हमेशा ही हमेशा होता है। ये रही भाई स्ट्रॉन्ग लिनन लिमोजिन भाई, ये गाड़ी क्लास है क्लास भाई। मतलब आज मैं कहता हूँ, बार बार नहीं कहूँगा, अगर अपनी गाड़ी से भी कोई गैंगस्टर है ना तो वो यही है, यही है, यही है। कोई नहीं, अभी पोर्शा भी जा रहे, क्या पता वहां तेरे को कोई गैंगस्टर या फिर कुछ और मिल जाए। भाई पोर्शा तो मतलब वो तो अलग ही चीज है, वो बहुत बाद में आए हैं भाई, उनके पास बहुत सारी चीजें थी। ये लोग जब आए जब नामो निशान नहीं था किसी का, गाड़ियों का नामो निशान, वही वाली बात है, जब हम मार्केट में आए तब नामो निशान नहीं था किसी का। अब हमें गाड़ी को पीछे से देखने के बाद रियलाइज हुआ कि ये गाड़ी तो मैंने कहीं ना कहीं देखी, और मैंने ऑब्वियसली देखी ये वाली गाड़ी। पहली चीज तो भाई मैंने कार शो में देखी ये गाड़ी, और दूसरी चीज भाई ये देखी मैंने एडम्स फैमिली में, एडम्स फैमिली में वो इसी गाड़ी में आते हैं, और ये गैंगस्टर कार है उनके पास। इंटीरियर चेक करो इसका भाई, अंदर जा नहीं सकता हूँ मैं लेके, बट जितना दिख रहा है उतना देख लो। वाओ बहुत सही भाई, बहुत सही अलॉय रिम्स, अमेजिंग भाई, क्या क्राफ्टमैनशिप है, मतलब एक एक ताड़िया भाई, मजा आ गया। ये ट्रक देख भाई बिल्कुल, अरे ये बिल्कुल अपना चटकुला सा जो ट्रक सा हो रहा है, वो अपने जैसे चल रहे ना ट्रक वाले, वो भाई आगे से तनु में दिखा भाई साहब, चटकुले की टेंशन नहीं है, ये साइन है ना, इस साइन के रुपये हैं, इसी का पैसा, इसी का पैसा है। पीछे देख, पीछे पीछे पीछे, भाई साहब क्या बस बना रखी है भाई, मतलब वो अपने राजस्थान साइड नहीं चलती वैसी वैसी सी बसें, वही वही वही, और इसमें हॉर्न लगा रखा या फिर कजरा, अरे हाय हाय, ये क्यों बीच में खड़ी कर रखी है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, इसको काट दे इसको, अबे इसको बीच से काट दो भाई, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्यों बनाई ये भाई। ये देखे एक और नई गैंगस्टर बस, बसों में भी भाई मतलब Mercedes बहुत ज्यादा आगे है, डीजल बसें, डीजल इंजन, वाह चले इसके अंदर घूमने। हाँ इसके अंदर मेरे को लग रहा है पीछे आप आइसक्रीम वाइसक्रीम भी बेच सकते हो बैठ के, वैसे आइसक्रीम वैगन सी लग रही है अगर आप इस तरफ से देखो जाके, बट ये डबल डेकर बस है, आइसक्रीम वैगन नहीं है, डबल डेकर बस है पुराने टाइम वाली। चलो भैया अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं और थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते और चीज़ें देखते हैं जो भी चीज़ यहाँ पर है हमारे को ऑफर करने के लिए इनके पास। ये है ना देखने वाली चीज़ तो यार, भाई साहब 300 SLR भाई, 300 SLR भाई, कारों में कार 300 SLR एक नंबर। 1955 में इसने धूल चटा रखी थी सारी गाड़ियों को, मतलब आसपास कोई गाड़ी ही तो ना थी। और मजे की बात, जिसने फोर्ड वर्सेस फरारी देखी उसमें लमान रेस है, उसमें जो वो रेसेस में जीतती हैं गाड़ियाँ उनमें से एक गाड़ी ये है। 1955 में सीवियरली डैमेज हो गई थी, ठुक गई थी, फिर भी ये जीती। और आ जाओ पास दे, आ जाओ इसके, ये सारी रेसेस इसने जीती हैं, ये चेक करो, मिला माइलेज ट्रॉफी और ये अपने एफएल ग्रैंड प्रिक्स स्टूडेंट सब जीत मारा भाई, इसने कुछ छोड़ा ही तो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी प्लेसेस ले गई। दिस कार हैज़ नेवर बीन बीटन और ड्रॉप्ड आउट ऑफ ओइंग टू मैकेनिकल फेलियर, मतलब भाई साहब गाड़ी में कोई दिक्कत ही ना आती, दिक्कत ही ना आती भाई। यहाँ एक और कोई एंटीक कार खड़ी है, मतलब एंटीक कार्स का तो शोरूम ही है भाई, भाई इनसे बात कर लेना। भाई साहब क्या क्या बात करूं, कोई एक बेच दो यार, हमने चाहिए गाड़ी, एक खरीदने के लिए रुपया भी तो होना चाहिए। अरे रुपये तेरे पास है, डॉलर है मेरे पास, तू बकवास ना कर। ठीक है बात कर लेते हैं, नीचे जाके बात कर लेते, कौन सी चाहिए, या तो वो गैंगस्टर वाली है नू इसी कोई, ये मैंने घनी मूवियों में देख ली भाई, ये मैं तेरे को वैसे ही बाहर से दिला दूंगा, ये लोग बहुत महंगी बेचेंगे। अच्छा तो डीलर आना भी जाना है। हाँ मैं गौतम गैराज वाले बंदे को जानता हूँ। चल बहुत हार्ड, क्या है गौतम गैराज, देखा नहीं अभी तक।
अरे यार भाई नेटफ्लिक्स की अगर इफ यू आर अ कार गाय एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड गॉथम गैराज देन यू आर नॉट अ कार गाय. आई एम नॉट अ कार गाय फर्स्ट ऑफ ऑल. हां तो ठीक है ना. आई एम जस्ट एन एप्रिशिएटर ऑफ द गुड गैराज. क्या करता है बेसिकली वो सारी की सारी गाड़ियां जो भी ऐसी एंटीक कार्स होती है कोई भी गाड़ियां उनको रिस्टोर करता है. रिस्टोर करने के बाद उनको फिर दोबारा सेल करता है और अपना थोड़ा सा ट्विच करके. अच्छा डोनट मीडिया वगैरह इन सब की तरह. डोनट मीडिया नहीं है. डोनट मीडिया इज नॉट अ कार रिस्टोर भी तो करते हैं. अब शुरू करा होगा तो करा होगा बट जो exactly, जो ओजीज है ना, जो ओजीज हैं वो गौतम गैराज हो गए. एक और शो आता है रस्ट रस्ट करके कुछ वो बंदे हो गए. ये लोग इनका काम ही है ये भाई. फोटो और भाई हम ये रहे और हमारा काम है आप लोगों तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना. भाई गाड़ियां खत्म. ओ भाई ये एसएलआर वाली नॉर्मल घूमने रोड पे घूमने वाली. ओ भाई नीचे चलते हैं. क्या कर रहे हो इतनी ऊपर. भाई पहले मेरी एक फोटो खींच दे. पूरा का पूरा म्यूजियम. वाह भाई वाह गजब. देख रहा है यहाँ ना कितना वेल वर्ड था. मैं कह रहा था तेरे को कि मतलब यहाँ आते हैं. चल चल फोटो खींच. सो यार आफ्टर वर्ल्ड वॉर मर्सिडीज केम अप विद द स्ट्रेटजी कि भाई अपना फेस सेव करना है और जर्मनी को वापस मैप पे पुट करना है बिकॉज दे आर एंड दे विल बी द बेस्ट इन कार मेकिंग. तो भाई उन्होंने फिर निकाली 180 तरीके की गाड़ियाँ एक साल के अंदर और परचम लहराई तो दिया. ये देखो भाई ये है SL 300 SL मर्सिडीज का इंटीरियर. क्या रेड इंटीरियर है भाई. क्या परफेक्टली फिनिश कर रखा है इन लोगों ने. वाओ स्टेयरिंग व्हील देख रहा है कितना सुंदर है. उस तरफ से देखते हैं ये देखो भाई गाड़ी गाड़ी नहीं है ये तो हवाई जहाज है. डोर्स देखो इसके. उस टाइम पे मतलब इन्होंने ऐसे डोर्स निकाल दिए थे जो अभी तक लोग कर नहीं पा रहे काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स. वाह भाई क्या मस्त गॉर्जियस है यहाँ पर. यार मर्सिडीज हमेशा से आइकॉनिक रही है. कभी किसी राजा महाराजा ने चलाई कभी कोई भाई गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स ने चलाई. जैसे ये गाड़ी पीछे दिख रही है अपने 80s में राजा महाराजा और अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए यूज़ होती थी प्रोफेशनल कैरेवैन के लिए. और ये अपने भाई राजा थे यहाँ के जर्मनी के 1932 में उनका व्हीकल है. उनके लिए स्पेशली सिंबल चेंज किया गया था ऊपर का जो ये बना रखा है ना ये नागमणि से बना एम्बलम. एम्बलम हाँ. और ये अपना क्रो करके भाई अपना आर्टिस्ट है उसने हाथ से पेंट करी है ये CLA. ये तो इसने खराब कर दी भाई. हाँ मतलब ऑब्वियसली कला भाई आज की डेट में कला के नाम पे कुछ भी बिका है. ये भी बात जब है. कोई बढ़िया कंटेंट दिखाना चाहे ना उसके व्यूज कम ही आवे. ये भी बात है भाई. ये भी बात है. ये चेक कर ये इधर को लग रही है थर्ड क्लास की गाड़ी. हाँ. ये अपने निकोलस भाई की है गोस्ट राइडर सर की निकोलस केज. और ये अपने भाई ये थे क्या कहते हैं एक एस्ट्रोनॉट थे डेविड. उनकी वो सेवेंथ मैन थे लैंडिंग ऑन द मून. उनकी ओरिजिनल गाड़ी है ये. इसमें मतलब रिस्टोरेशन नहीं करी है बिल्कुल. देख ले जो छोटा मोटा तेरे को रस्ट वस्ट छोटा सा भी दिखेगा ना सब वो डन है. सब एज इट इज है. आ जाइए जी वैगन देखते हैं. देखिए जी वैगन है मतलब पुरानी कब पुरानी की जी वैगन है ये. ये भाई 1980s की जी वैगन है 230G. भाई जो लोग जी वैगन के शौकीन है उनके लिए ये देख लो भाई जी वैगन पुराने वाली. और ये बिल्कुल ही लूरू सी गाड़ी लग रही है ना. ये भाई अपनी प्रिंसेस डायना की गाड़ी है. उनको इसके लिए बहुत बड़ा बैकलैश मिला था जब वो अपने इन्होंने 1992 में ये गाड़ी चलाई तो उन्हें लौटानी पड़ी क्योंकि भाई जो अपने वो है ना रानी के जो हैं थोड़े उनके पास प्राइवेट गाड़ियों का सिस्टम होता वो ऐसे कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते. ओ लॉस्ट वर्ल्ड में जो यूज़ हुई थी वो वाली गाड़ी है मर्सिडीज बैन ML 320. तो अबानी बंद होगी. यस 2002 में बंद होगी थी लास्ट अबानी. गाड़ियों की तो भरमार है भाई अलग अलग. ये कोई फुटबॉलर है भाई ये उसकी गाड़ी है. मतलब यहाँ पे सारे सारे जितने भी आइकॉनिक फिल्म स्टार हो गए सुपरस्टार हो गए उन सब की गाड़ियाँ हैं. और इसी एरा के बाद हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर एरोडायनामिक्स और ये फिजिक्स का थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे. यहाँ से चलते हैं भाई नीचे. यहाँ पर ऐसी वाली सीढ़ियाँ लगा रखी हैं इन लोगों ने नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए. मतलब ऊपर आने के लिए एक एलिवेटर था फिर उसके बाद आप म्यूजियम देखते चलो और नीचे अपना रास्ता बनाते चलो. तो यार अब हम आ गए हैं अपने वाले एरा में जिस एरा में इस समय हम रह रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला एरा जो है बिल्कुल ही शिटी एरा. मतलब भाई क्यों मतलब मेरे को अगर गाड़ी लेके जानी है 1000 किलोमीटर तो 3 बार चार्ज करूँ पहले के लिए जाने से और चार्ज करने के लिए एक एक घंटा आधा आधा घंटा वेट कर. मतलब हाइब्रिड हो जाए. हाइब्रिड से मेरे को कोई मतलब नहीं है बट ये AMG है AMG इलेक्ट्रिक. वाह बट वही वाली बात है तो इलेक्ट्रिक ही ना यार. ये देख ले भाई एक और AMG इलेक्ट्रिक तो ना है. इलेक्ट्रिक ही है ये. दिस इज इलेक्ट्रिक. ये कॉन्सेप्ट है जिंक्स. हरीरा कॉन्सेप्ट. हो इसकी ग्रिल चेक कर यार भाई साहब. अब वाली जो एक गाड़ी है ना अब वाली जो मर्सिडीज है उनका लिटरली यही सब है उसमें. मतलब
क्लास के साथ साथ जो बीफीनेस दिखती है, जो स्पोर्टीनेस है ना, वो तो अलग ही है, मजा आ जाता है भाई देख कर। लाइट्स देखो यार इसकी, भाई साहब भाई आपको जो दिख रहा है ये पेंट ऐसा नहीं है, इसकी वजह से ऐसा है। यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तो दो ही गाड़ियाँ थी भाई जो आइकॉनिक इलेक्ट्रिक कार इन्होंने जो बनाई हैं अभी, एक कॉन्सेप्ट है, एक शायद अब मार्केट में SLS तो मार्केट में है ऑलरेडी अभी, मतलब वो भी टेस्ट रन में है वैसे मास प्रोडक्शन में। और वहाँ से आ गए भाई साहब रेसिंग वाले एरा में, ये सारा का सारा भाई इनका जो रेसिंग की जितनी भी F1 रेसेस होगी और इन सब चीज़ों का है। तो जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड रेसेस होती हैं, चाहे वो F1 रेस हो, चाहे वो ड्रैग रेस हो, या चाहे वो ट्रक की रेस हो, तो मर्सिडीज़ ने अपनी छाप छोड़ी है। शुरू से लेकर अभी तक मर्सिडीज़ ही मर्सिडीज़ हो रखी है। और मुद्दे की बात यह है ना कि मर्सिडीज़ कब से है भाई, ये लोग कितने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इनके पास 40 लाख चीज़ें हैं बनाने के लिए, कुछ कुछ बनाते हैं भाई ये। भाई इंजीनियरिंग, आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ओ नीचे चल, वो देख, चल 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 चल, चलो 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 चलो, चलो। और भाई यहाँ से ऐसे जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे जैसे कि आप बिल्कुल ही प्रॉपर एक रेस ट्रैक के अंदर आ गए हो। ओ बाप रे भाई, ये तो नई वाली हैं, उधर देख पीछे चलते हैं, पहले वाली जो थी ना, जो मतलब बाप चीज है सबकी, तो हिस्ट्री में दोबारा से पीछे चल रहे हैं भाई। ओए होए वो देखना यार, ओ बाप रे, मतलब भाई साहब वही वर्ण वाली बात है, मेस्मराइजिंग भाई, फुल पावर मेस्मराइजिंग। मोटर स्पोर्ट 52 से 55 तक इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतनी सारी गाड़ियां। ओ ये वाली गाड़ी मैंने देखी है, जाते ही जा रही है, जाते, वो तो मार्क 5 है, एक नंबर है भाई। भाई पीछे तक जाए जाएगी वहां से भाई, इसका जो रेसिंग एरा वहां से शुरू हुआ था। 19 सेंचुरी से इन्होंने रेस करनी शुरू करी थी भाई, 19.100 से, और उसके बाद से इनकी इतनी सारी गाड़ियों में रेवोल्यूशन एवोल्यूशन बेरना के हो गया भाई। मतलब देख कि कुछ भी तो बना रखा है भाई, कुछ भी, मतलब सिंगल सीटर, डबल सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर, इवन भाई 7 सीटर जो SUVs हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है कि भाई मज़ा ही तो आ जाता है। ये देख अंदर से खोल के दिखा रखी है पूरी, पूरा पूरा इंजन दिखा रखा है भाई, ऐसी होती है जो आपकी रेस कार्स होती है ना जो पुराने टाइम में, और ये भाई अपनी F1 वाली रेस कार है, तो इसका इंजन वगैरह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इस म्यूज़ियम के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब इट हैज़ बीन ग्रेट ग्रेट। यहाँ इस म्यूज़ियम में आना भाई वेल वर्थ, मज़ा आ गया गाड़ियों के बारे में देखना। गाड़ियों का वैसे भी तुमको पता ही है मैं कितना बड़ा दीवाना हूँ, और भाई मतलब ये है देखना, मतलब धीरे धीरे मॉडर्न जैसे एरा होता गया गाड़ियों का। आए आ गई मेरी गाड़ी, ये पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा मतलब बचपन से एक इच्छा थी कि F1 रेसर बनूंगा, उसके बाद फिर पता चला कि मेरे को तो गाड़ी चलाना पसंद ही ना आया भाई, लोगों ने इतनी ड्राइव करवाई, दुखी कर दिया मैंने। 8-10 साल से पर्सनल ड्राइवर बना के अंडा है दुनिया। अगर वो गाड़ी चलानी किसने सिखाई थी भाई, मेरे को गाड़ी चलानी सिखाई थी आपने तो भाई ड्राइवर तो ये भी हार्ड ही है, जब हमने सिखाई है तो एक नंबर ड्राइवर है भाई साहब। लोग भाई मतलब एक एक चीज़ें बस टच करना चाहते हैं इन गाड़ियों की, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे बस गाड़ी टच कर लो, इनके ऊपर नहीं जा सकते हैं। कब बनी थी भाई ये? 1932 भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को सब कुछ पता है भाई, हम इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, कभी गलत हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सही होती है। ओ भाई गिर गया, इधर उधर नहीं जाने का। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे को सारी की सारी चीज़ें पता है, हम ऐसी किसी चीज़ पर पढ़कर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा जो एक मोटिव जो है वो यही है कि हम आपको हर जगह से रिपोर्ट करें, हर जगह से आपको ये बताएं कि यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, क्या बुरा मिलता है। ट्रैवल गाइड वाली हमारी भाई आदत है नहीं और ना हम ट्रैवल गाइड है, बढ़िया हमारा काम धाम चल रहा है, हमारे को ट्रैवल गाइड बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई अपन लोग ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवल गाइड नहीं है, तो हम लोग अच्छे से घूमते फिरते आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं जैसे हम अपनी नज़रों से देखते हैं, आपको हमेशा ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये बताएंगे वो बताएंगे। भाई देखो गाड़ी पसंद आई गाड़ी दिखा दी, गिरा मैं तो गिरा दिखा दिया, ये बताओ कि देखोगे तुम तो ये देखो भाई लिफ्ट तो बिल्कुल ही ऐसे हो रही है यार, वहाँ पोर्शा क्यों खड़ी है यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मर्सिडीज़ के शोरूम में पोर्शा क्या कर रही है। उस पर लिखा होगा कुछ, चल के देखते हैं, मेरी मैं भी हराया और हुआ होगा रेस में। हाँ मतलब चलते हैं नीचे और फिर पोर्शा के बारे में भी देखते हैं, बाकी इस जगह को इस समय करते हैं भाई अलविदा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, गाड़ियाँ वाह वाह, जिनको गाड़ियाँ नहीं पसंद ना ना
तो भाई अभी इस जगह को करते हैं अलविदा और अब निकलते हैं आगे, क्योंकि आगे है अगला म्यूजियम किस चीज का, पोर्शा का। तो यार फाइनली पहुंच तो गए हैं पोर्शा के पास, बट ये पोर्शा म्यूजियम में नहीं खड़ी है, ये खड़ी है मर्सिडीज के म्यूजियम में। ये इन लोगों ने सिर्फ इनको यहाँ पर इस वजह से दिया कि जस्ट टू प्रमोट ईच अदर्स ब्रांड, कि कोई कोई मतलब कंपटीशन होना चाहिए, बट एक हेल्दी कंपटीशन होना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ राइवलरी। तो इसलिए यहाँ पर खड़ी है कि भाई इसके बाद जाओ और पोर्शा म्यूजियम में देखो, होपफुली पोर्शा म्यूजियम में भी एक ना एक मर्सिडीज वहाँ पर खड़ी ही मिल जाएगी। तो यहाँ से अब निकलते हैं और सीधा चलते हैं यार पोर्शा म्यूजियम की तरफ। यहाँ से हार्डली 20 मिनट की हमारी ड्राइव पड़ेगी। यार म्यूजियम बहुत ही बेहतरीन था, मजा आ गया यार देख के ना, मतलब गाड़ियाँ अलग अलग एरास की, अलग अलग टाइम की। यार मर्सिडीज ने कमाल छा रखा भाई, मर्सिडीज ने जेन्युइनली बेंचमार्क सेट करा, मर्सिडीज ने बेंचमार्क सेट करा यार गाड़ियों में, और बहुत हार्ड यार, मजा आ गया देख के। अब इसको कहते हैं अलविदा और अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं पोर्शा म्यूजियम। चलो भाई फाइनली 3-4 चक्कर काटने के बाद यहाँ पर मिल गई भाई पार्किंग। दो पार्किंग स्पॉट लेता है भाई हमारी गाड़ी और ट्रेलर, एक ये, इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, अलग अलग कर नहीं सकते। अभी हमें पोर्शा म्यूजियम की पार्किंग गैराज के अंदर, पेड पार्किंग है, यहाँ से ऊपर चलते हैं, टिकट्स परचेस करते हैं। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अगर आप मर्सिडीज म्यूजियम गए हो तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है 20% का। यार पार्किंग से ऊपर आके मैं तो बाहर की तरफ आया कि बाहर देखूं भाई गाड़ियाँ खड़ी हुई आलीशान बहुत सारी, और आप देख रहे हो मेरे पीछे बहुत सारी पोर्शास खड़ी है 911 एंड ऑल दैट। तो अब चलते हैं म्यूजियम की तरफ यार अंदर, और अब देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग, अपने बंदे क्या कर रहे हैं। टिकट विकेट ले लो यार, जल्दी दिखाओ कुछ म्यूजियम म्यूजियम, मजा आए तभी तो घूमे फिरे। और भाई यहाँ पर अंदर और बहुत ज्यादा तेज चल रहा भाई ये तो, वो खड़े भाई अपने बंदे टिकट विकेट ले रहे हैं, 3 टिकट्स और मस्त अंदर भाई बहुत अच्छी यार, एक नंबर 3 पासेस वी जस्ट मतलब ये टिकट विकेट ले रहा है भाई अपना, और मस्त बना रखा है, लाइटें शाइटे एक नंबर लगा रखी है भाई, पोर्शा है तो कमाल। सो वी पेड द फुल प्राइस फॉर देम। यस पोर्शा खुद 92 इयर्स पुराना है, लेकिन ये जो वैगन आप मेरे सामने देख रहे हो 120 साल पुराना है। जब जिस बंदे ने ये डिजाइन किया था वो उस टाइम सिर्फ 23 साल का था, कुछ लोग 30 साल के होते हैं उनको ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए। ये राहुल भाई इनको नहीं आती ढंग से गाड़ी चलानी है, बाकी जो बंदा नहीं, फर्दिनांद पोर्शा नाम था उसका भाई, तो टेस्ला अभी आया, पोर्शा तो बहुत पहले से है इनमें। पोर्शा पता क्या, पोर्शा की जो हिस्ट्री है वो 92 ईयर्स ओल्ड है, बट पोर्शा ने इतने सारे लोगों से सीखा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी कंपनीज थी जो आ गई थी, तो पोर्शा ने इतने सारे लोगों से सीखा और अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया बसा दी है भाई। जिनको नहीं पता मर्सिडीज से ज़्यादा मैं पोर्शा का फ़ैन हूँ। मतलब गाड़ियाँ तो बढ़िया हैं लेकिन मर्सिडीज तो मर्सिडीज है भाई। अरे मर्सिडीज मर्सिडीज होगी बाबा, पोर्शा इज पोर्शा, पोर्शा इज क्लास अपार्ट, मतलब यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन अ पोर्शा। यू हैव नो आइडिया कि जो पुरानी वाली पोर्शा है कितनी महंगी बिकती हैं और कितनी शाबी उसमें स्टेट में बिकती हैं, बट पीपल आर एक्चुअली क्रेजी अबाउट पोर्शास, इसी को देख ले भाई। ओ 718 RS स्पाइडर, ये तो बहुत आलीशान है। इनमें से कोई इसे बेच भी रहे हैं? ये बेचेंगे नहीं भाई, म्यूजियम में लगी हुई है, एक बार जो चीज़ म्यूजियम में आ जाती है वो बिकती नहीं है। हाँ हमारा कोई नूर वापस ना आ रहा भाई, हमारा कोई नूर वापस ना आ रहा। हाँ वो एक बार म्यूजियम में लग गया तो लग गया भाई। ये देखो भाई पोर्शा का ट्रक, सॉरी ट्रैक्टर, पोर्शा का ट्रैक्टर। जिन लोगों को ये नहीं पता उनको बता दूँ, जो लैम्बोर्गिनी जो कंपनी थी, लैम्बोर्गिनी की शुरू हुई थी ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर बनाया था पहले बंदे ने, फिर उसके बाद फरारी वाले से उसका कंपटीशन हुआ था, फरारी से पता नहीं कौन सी थी बट फरारी 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 के साथ उसका कंपटीशन हुआ, एंड देन उसके बाद वो बंदा जो लैम्बोर्गिनी वाला था वो घुसा स्पीड स्पोर्ट्स कार्स में। ट्रैक्टर से लैम्बोर्गिनी का भी एक बारी ना म्यूजियम देखना बनता है, मतलब अलग ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चीज़ें देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा दुनिया में चल क्या रहा है। The most iconic car ever, ever built, ever built. First generation 911. Exactly. मतलब you have no idea कि ये गाड़ी कब बनी थी, कब इन्होंने evolution शुरू करा। 1964 में ये गाड़ी वहाँ पर रोडों पे चलती थी यार। 1964 में तो सोच सकता है ये गाड़ी तेरे पास हो तो तू कैसा फील करे। 1964 में मैं होता तो अभी मैं तेरा शायद grandfather होता। अरे वो सारी बात छोड़ भाई, ये देखो 1969 में पोर्शा ने ये बनाया था भाई, ये
इसने चैंपियनशिप जीती थी वर्ल्ड वाली, जो फर्स्ट मेक्स है, लाइक जो पहली रेस कार जो अपनी लॉन्च करते हैं उनके एक अलग से रेस हुआ करती थी, सो दैट दे कैन फाइट इन बिगर कॉम्पिटिशन्स, एंड दिस कार गैप्ड एवरीथिंग। इसने सबको पीछे छोड़ा, और इसकी मेक चेक करो यार, मतलब इंजन देखो इसका, बाप रे, बैक साइड वाओ, अमेजिंग। और मेरे हिसाब से चलाते भी हैं, टायर पे भी ना ऐसे निशान विशान है, तो लेके जाते हैं इसे बाहर थोड़ा बहुत चलाने। इतनी ज़्यादा एरोडायनामिक कार है ना यार, मैं बिल्कुल नीचे बैठा हुआ और ये मेरे से नीची गाड़ी है, मतलब अगर इसमें अगर कोई बैठा होगा, वरुण चाहिए वहाँ जाके खड़ा हो, तेरी देखियो, दिखाइयो इसकी हाइट, दिखा एक बारी, ये देखो वरुण के नीज के बराबर है ये गाड़ी, इतनी छोटी गाड़ी है और कोई ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वाह, 600 किलो की गाड़ी भाई, 600 किलो की गाड़ी सिर्फ। तो यार Porsche ने एक के बाद एक अपनी रेसिंग कार्स को डेवलप करते गए, कुछ अच्छी बनी, कुछ बुरी बनी, कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनी, और उसके बाद इन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना मतलब एक छाप सी छोड़ दी है। साथ ही साथ अगर आप लेफ्ट में देखो तो लेफ्ट में ये सारी की सारी गाड़ियाँ 911 करेरा, ठीक है 911 RS करेरा, ये जो गाड़ियाँ हैं ना, इन गाड़ियों ने इतना आइकॉनिक, इतना मतलब लोगों के दिमाग में चीज़ें डाल दी कि लोग पागल हो गए कि भाई ये क्या डाल दिया, ये क्या आ गया। इस गाड़ी को एक बार देख, कैसा लग रहा है? मस्त लग रही है, है ना? तेरी मर्सिडीज़ को देखो कैसा लग रहा है, वो ज़्यादा मस्त लगती है भाई। इस एरा की बात हो रही है, इस टाइम जोन की बात हो रही है, वो गैंगस्टर्स हो गई, ये हो गई स्पोर्टी, छोटी सी क्यूट सी भाई Porsche, इस Porsche आई एम टेलिंग यू मैन, ब्रो गैंगस्टर्स ऑलवेज रन द वर्ल्ड। ये देखो भाई फोर्थ जनरेशन 911, वो भी पुलिस कार, पुलिस की गाड़ी भाई, इनसे कहाँ चोर बच के भाग पाएंगे, ये तो रौंद देंगे उनको पीछे। वाह वाह भाई, गाड़ियाँ तो हैं अच्छी भाई, है ना, मतलब दिखने में, मतलब हाँ सुंदर है, दिखने में सुंदर है, एग्जैक्टली मतलब तू समझ रहा है ना, इसको देख 911 GT1 को देख भाई, इसका मतलब रेयर देख एक बारी इसका, इसको तो मैं दोबारा देखूंगा, है ना, मतलब ये क्या बना रखी है क्या बना रखी है, 1997 में आई थी भाई, मतलब इतनी फ्यूचरिस्टिक, समझ रहा है ना तू, Porsche has always been so futuristic in their models and their designs, कि आज के टाइम के अगर ये गाड़ी अगर आज लॉन्च होती ना, वो किसी को इतना वो नहीं फर्क पड़ता, बट ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 1997 में, तेरे पैदा होने के 4 साल बाद, जब इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ करता था, मतलब रेवोल्यूशन नहीं आया था, किसी चीज़ की कोई बात नहीं करता था, नो ग्लोबलाइजेशन, नो लिबरलाइजेशन, नथिंग, जब अपनी एम्बेसडर चला करती इंडिया में, जब इंडिया में एम्बेसडर और वैन चला करती भाई, जब की है ये गाड़ी, बाप रे बहुत हार्ड भाई। सो दीज आर द नंबर ऑफ ट्रॉफीज वॉन बाय Porsche, और भाई और भी ज़्यादा होंगी, ये तो सिर्फ डिस्प्ले में है, पता नहीं क्या क्या जीता है ये लोग, इन्होंने ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो नहीं जीता। और ये देखो भाई अपनी वो कार्स वाली जो है ना मूवी में, साली करेरा कितनी क्यूट लग रही है यार गाड़ी ना, वाओ। और ये सारी रियल गाड़ी है, इनमें सब इंजन विंजन चलती हैं, ये इनके टायर गंदे हैं, ये लेके जाते हैं भाई आगे पीछे करते हैं इसको भाई, ये तो बीस्ट है, ये बीस्ट है भाई, ये तो GT3 RS, This car is a beast. मैंने भी राहुल भाई को बोला, मगर राहुल भाई यहाँ पे, ओ हाँ Porsche में भाई रेंट का भी ऑप्शन है, तो यू कैन एक्चुअली ड्राइव अ कार फॉर वन डे, 800 यूरो की एक दिन की मिलेगी गाड़ी। तो राहुल भाई गए थे पूछने के लिए, इतना समूह लेकर आ गए कि यार ठीक है यार, मतलब 800 यूरो है, वही वाली बात है, हम अपनी रेंज रोवर ही बजा लेंगे। ये चेक करो फ्रेंड्स, तो यहाँ से आते हैं SUVs भाई, सिर्फ और सिर्फ ये कूल कार्स, हैचबैक्स और इन सब में नहीं है Porsche, Porsche SUVs में भी है। वाह वाह वाह, वो वाला गाना तो सुना ही होगा, पैनामेरा एस, दिलजीत दोसांझ का भाई, ये है कायन एस, पुराने टाइम की है, 2007 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, 2007 के बाद अभी तक अगर इसको देखो, इसका इंटीरियर एक बार चेक कर, इंटीरियर देखेगा ना तेरे को, जितने भी तूने ऑप्शन अभी तक गाड़ी में देखे हैं उससे ज़्यादा तेरे को इसमें बटन एंड ऑल दे मिलेंगे, यू कैन नॉट ओपन इट, बट हाँ आप बाहर से देख सकते हो। अच्छा देखो मगर प्यार से, हाँ वो भी दूर से, ये रही भाई पैनामेरा एस भाई, ये तो मतलब ये पैनामेरा एस नहीं है, इसके पीछे जो है वो पैनामेरा एस है, और ये तो भाई अपने सैम ने अभी भी जस्ट अभी अभी लिया भाई, 2023 मॉडल, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू सैम भाई। सैम भाई आपकी वजह से मेरे को थोड़ी Porsche पसंद सी आएगी यार, गाड़ी बढ़िया है,
और मकान GTS लेकर आए सैम भाई, वो भी ऑन्टेरियो की फर्स्ट, ऑन्टेरियो की फर्स्ट है भाई। मैंने लिटरली ये गाड़ी भगाई जब सैम भाई लेकर आया ना, गोली है ये गाड़ी भाई, गोली। अंदर से इंटीरियर देख इसका, पागल गाड़ी है भाई। जब 2015 वर्जन है। हाँ, जब वापस जाएंगे ना, जब वापस कनाडा जाएंगे तब आप लोगों को पूरा पूरा नज़ारा दिलाऊंगा पैनामा इसका, मकान GTS का। GTS से ऊपर कुछ नहीं आता भाई, GTS से ऊपर कुछ नहीं आता इसमें। फिर दोबारा भाई 911 आ गई। 911 इनकी आइकॉनिक कार है, पोर्शा 911 दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे। ये एंड दिस इज 918 स्पाइडर। स्पाइडर वाओ, स्पाइडर मेरे को मतलब ज़्यादा पसंद आती है 911 से। स्पाइडर सीरीज जो इनकी आई थी ना, बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज उसमें ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी। पावर छोड़ भाई, लुक चेक करो, होली शिट। ये देखो भाई, ये है इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर। मतलब पता नहीं कितने लोगों के गूज़बम्स आ रहे होंगे गाड़ियाँ देख देख के, बट मेरे को तो आ रहे हैं भाई गूज़बम्स भाई। मज़ा, मतलब अलग ही नक्काशी कर रखी गाड़ियों पे है ना। हाँ, ओए हो, ये देख ले भाई, ये इनकी 919 हाइब्रिड है, 2014 में ये गाड़ी बनी थी। ये रेस वाली हाइब्रिड है भाई। हाँ जी, शिट, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है ना कि जेट बना रखा है, कि छोटा सा प्लेन बना रखा है। अंदर कॉकपिट अगर आप देखो तो कॉकपिट में जगह ही तो नहीं है भाई, देयर इज नो स्पेस एट ऑल। इन गाड़ियों में बैठने के लिए ना यू हैव टू बी अ स्पेसिफिक हाइट, वेट और वो सब चीज़ चेक करते हैं। अगर उससे अगर आप ऊपर भी हो तो आप इन गाड़ियों में बैठ ही नहीं सकते हो, आप इन गाड़ियों को कभी चला ही नहीं सकते हो। जो इनके ड्राइवर्स भी होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा मेडिकल चेकअप होता है, हाइट वेट उसके हिसाब से, उस ड्राइवर के हिसाब से ये गाड़ी बनती है। और भाई ये ना इन्होंने 16 साल के गैप के बाद निकाली थी लमान में, क्योंकि ये कुछ अलग करना चाहते थे अपना, कि भाई हाइब्रिड ऐसा कुछ निकालेंगे और सेकेंड आए ओवरऑल ये लोग। आगे से देख यार, वाह भाई, को भी मैंने पोर्शा फैन बना दिया है। पोर्शा फैमिली में आपका स्वागत है, बस अब आपको एक पोर्शा खरीदनी बाकी रह गई है। यार पोर्शा मैं खरीदना जरूर चाहूंगा, बिकॉज बात इतनी सी है कि मैं गाड़ियों का इतना शौक वॉक रखता, तेरे को पे रहा है यार। अरे तो पोर्शा शौक है भाई साहब, पोर्शा डेली ड्राइविंग कार्स नहीं होती है फर्स्ट। अरे डेली तो मैं ड्राइव करना पसंद भी ना करता। तीन एक महीने में एक बार कर लिया, तीन एक महीने में और काट ली यार पूरी, पर कमी डाली काम की, मतलब तेरे को सुब्रू चलाने में मजा आता है ना। अरे एक नंबर भाई, तो तेरे को पोर्शा चलाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने सैम वाली भगाई ना यार, मैंने भगाई सैम वाली, तो वही वाली बात है। सैम वाली जाती है भाई 230 240 मतलब रॉकेट की स्पीड से, मतलब विद इन सेकंड्स वाली बात है सैम वाली गाड़ी की। तो बच्चा खेल रहा था अभी इससे, अब हमारा बड़ा बच्चा खेलेगा भाई इससे। आवाज चेक करो यार भाई, इतनी आवाज है इसकी, होगी यार हमारे को समझ नहीं आ रही। हमें तो कुछ भी ना समझ में आ रहा भाई साहब, मेरे तो दिमाग ने कम ये तेरे ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। ये पुराने वाले ट्रैक्टर की आवाज है पोर्शा, डीजल ट्रैक्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आगे बढ़ो। ये देखो भाई, मॉडल के हिसाब से आप अपनी गाड़ी की आवाज़ें सुन सकते हो, भगा भगू के उसकी फुल स्पीड। तो ये अपनी भाई 911 GT3 RS की है, एक नंबर। अब इसकी सुना दे भाई 935 की भी, वो बंद हो जाए एक मिनट के लिए। ओए हो, वाह वाह भाई साहब, पटाखे सुन रहा तू? बिल्कुल भाई, मज़ा आ रहा, एक नंबर। आप बताओ हमको कैसा लग रहा है। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है? मतलब कॉकपिट के अंदर, ये बेसिकली कॉकपिट की नॉइज थी, बाहर वालों की नॉइज नहीं थी, ये कॉकपिट के अंदर आपको ऐसी आवाज आएगी अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो। व्हाट एन एक्सपीरियंस मैन, व्हाट एन एक्सपीरियंस भाई। उस तरफ हम गए नहीं गए? और नहीं, उसी तरफ से घूमते हुए आए। ये छोटा म्यूजियम है ना रोडस्टर, यहाँ पे 80 गाड़ियां हैं टोटल इस म्यूजियम के अंदर, और 80 की 80 गाड़ियां मैं बता रहा हूँ, मतलब कि एक नंबर ही तो है। क्लास अपार्ट पोर्शा ग्रैंड टूरिज्मो विजन GT भाई। गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बट इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया यार। एक तो ये पेंटर भाई, ये पेंटर क्यों है? अरे ये सुसरे कुछ भी करें, मतलब ये अपने आप को कलाकार बोल रहे हैं यार। अच्छी बढ़िया गाड़ी की माँ, क्या ये फूल पत्ती ऐसी लगा दिए, दो चार ये भूत बात से लगा दिए है किम में और गर दुनिया। राहुल भाई का नया नाम रख देते बम्पर।
तो भाई हमने कवर अप कर लिए दोनों के दोनों म्यूजियम, मर्सिडीज म्यूजियम और साथ ही साथ पोर्शे म्यूजियम। क्या कहता है अब बोल यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट, लाइक अनबायस्ड ओपिनियन, अगर देखा जाए अगर कार कल्चर एंड जिसकी तू बात करता है लाइक हिस्ट्री ऑफ कार्स, तो मर्सिडीज पुट अ बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री, उसने दिखाया है। They do. बट पोर्शे, तेरी बात बिल्कुल सही है, लाइक डिजाइन वाइज क्लास अपार्ट, भाई फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बट अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली, नहीं पूछना तो मैं भाई AMG लेगा। नहीं पूछना मैं मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो BMW लेगा भाई। भाई साहब पोर्शे इज पोर्शे, BMW इज आल्सो गुड, BMW इज आल्सो गुड, लौंडे है लौंडा का जी, BMW इज आल्सो गुड। बट भाई पता है पोर्शे के अंदर ना एक अलग से क्लास है, कितने टाइम से मतलब इट हैज स्टैंड अपार्ट, जो उसका डिजाइन है अपने एरा में भी इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रहा है ना, मजा आ गया 60s में आज की डेट की 2000 की गाड़ी फील कर दे। जो तुम्हारी जो मर्सिडीज है, इफ यू टॉक अबाउट मर्सिडीज, मर्सिडीज हैज अ ग्रेट हिस्ट्री, आई टोटली एग्री, बट उसके बावजूद अभी भी मार्केट वैल्यू अगर आप देखो तो मर्सिडीज की तो बहुत ज्यादा है भाई, इतना ज्यादा पोर्शे भाई। पोर्शे वॉक्सवैगन का पार्ट है। अरे वॉक्सवैगन किसका, वॉक्सवैगन किसका है, BMW का। तो भाई BMW सबका बाप है। तो अब आप बताओ कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई, कौन सा म्यूजियम ज़्यादा अच्छा लगा, और ये ज़रूर बताएं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। कमेंट करके ड्रॉप करो कि अब आप कौन सी गाड़ी में देखना चाहते हो और उसे राही को। अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ।